बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुबानी की मीठी चटनी तैयार करते हैं। खुबानी को एक घंटा पहले मैंने भिगो लिया था। एक कप खुबानी का, दो कप मैंने पानी के डाले थे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले से कर दिया है तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। खाना खाने वाला एक चम्मच थोड़ा मिर्च डालेंगे, चाय वाला एक चम्मच नमक, एक कप चीनी शामिल करेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको पका लेंगे। खाना खाने वाला एक चम्मच इसमें सिरका शामिल करेंगे। इसको फिर से पैन में डालेंगे और पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। ये 2 से 3 मिनट तक पक चुकी है तो चूल्हा बंद कर देते हैं। फ़ाबी अलाई रबी कुमा तुकज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए एक कप मैंने इमली को आधा घंटा पहले भिगो लिया था। 3 कप इसमें पानी के शामिल करेंगे। 1 कप इसमें गुड़ का डालेंगे, चाय वाला एक चम्मच नमक। 6 से 8 मिनट मैंने इसको पका लिए तो इसको आप भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते जाते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से निकल जाए। इसको दोबारा से पकाएंगे और इसमें मसाले शामिल करेंगे। चाय वाला एक चम्मच थोड़ा मिर्च डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपने भुनने के बाद डालनी है। चाय वाला एक चम्मच ज़ीरा साबत, चाय वाला एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। सारी चीज़ें डाल के आपने 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेना है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें चटनी तैयार हो चुकी है। इतनी गाढ़ी जब हो जाए तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। फ़ाबी अलाई रब्बिक मा तुकज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लड्डू पिठी तैयार करने के लिए 1/2 किलो मैंने चनों की दाल ले ली है। इसको सारी रात मैंने भिगो के रखा था। इसके साथ आपने शामिल करनी है माश की धुली हुई दाल, इसको भी 1/2 घंटा पहले भिगो लिया था। 1 कप ये ली है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ग्रैंड हो चुका। इस तरह का आपने भी कर लेना है। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आपने बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। चाय वाला 1 चम्मच ज़ीरा, खाना खाने वाला 1.5 चम्मच नमक। सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको खूबसूरत करने के लिए थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। फूड कलर आपने येलो ही डालना है, कोई और कलर नहीं डाल लेना। तैयार हो चुका है, चलते हैं फ्राई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने 1 चम्मच ले लेना है, उसको पानी के अंदर डिप कर लेना है। जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो लेंगे, थोड़ा सा कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरीके से आपने सब डाल लेने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आ चुका है। ये तैयार हो चुके हैं, इसको छन्नी में निकालते हैं ताकि जो घी वगैरह वो निकल जाए। इसी तरीके से बाकी सारे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लड्डू पिठी के ऊपर आपने मूली डालनी है। हमें मूली मिली नहीं है क्योंकि इसका मौसम नहीं है, इसलिए हमने प्याज डाल ली है। 2 तरह की चटनी तैयार की है। मीठी चटनी डालते हैं पहले। 2 तरह की चटनी इस्तेमाल होती है, ये खट्टी मीठी चटनी है, ये भी डाल देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।